नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एएसएन क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों, आप लोगों को तो पता है कि भाई और बहन का बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है, लेकिन आजकल ऐसे अवैध संबंधों के मामले सामने आ रहे हैं जिसे देखते हुए इस पवित्र रिश्ते पर से भी भरोसा खत्म होता जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों को मैं जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपका भी दिल एकदम थर्रा जाएगा। दोस्तों, अवैध संबंधों के ताजी में लिप्त ये कहानी उत्तराखंड के बाजपुर इलाके से सामने आई है। दोस्तों, पुलिस के द्वारा किए गए खुलासे में पता चला है कि फातिमा नाम की एक लड़की की शादी 4 साल पहले फिरोज नाम के एक लड़के के साथ हुई थी। दोस्तों, शादी के 2 साल बाद फातिमा का पति फिरोज पैसे कमाने के लिए दिल्ली चला गया और कुछ दिनों बाद पैसे कमाकर जब वो वापस आया तो उसने उन पैसों से अपने ससुराल में ही घर बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन खरीदी और वहीं पर घर बनाकर अपनी पत्नी फातिमा के साथ रहने लगा और पास के ही चौराहे पर एक मेडिकल की दुकान खोलकर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करने लगा था। दोस्तों, फातिमा और फिरोज कई सालों से इस गांव में रहकर एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन मायके में ही काफ़ी दिनों तक रहने से फातिमा का अपने ही चाचा के छोटे बेटे सलमान से नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोस्तों, धीरे धीरे फातिमा और सलमान का प्यार परवान चढ़ने लगा और दोनों एक दूसरे के साथ अवैध संबंध भी स्थापित करने लगे। दोस्तों, आए दिन फातिमा दिन में प्रेमी तो रात में पति के साथ बिस्तर सजाने लगी थी। दोस्तों, फातिमा और सलमान के प्यार के बीच में ही सन 2021 में सलमान फातिमा को छोड़कर पैसे कमाने के लिए सऊदी अरब चला गया। दोस्तों, सलमान और फातिमा भले ही अलग हो गए थे लेकिन सलमान और फातिमा व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि फातिमा और सलमान का प्यार इतना आगे बढ़ चुका था कि दोनों एक दूसरे के बीच किसी तीसरे आदमी को भी आने नहीं देना चाहते थे। यानी कि फातिमा अपने चाचा के बेटे सलमान यानी कि अपने प्रेमी के साथ पति और पत्नी की तरह रहना चाहते थे। दोस्तों, जब सलमान 3 साल बाद सऊदी अरब से वापस आया तो फातिमा और सलमान ने एक दूसरे के साथ मिलकर फातिमा के पति को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगे। दोस्तों, प्लानिंग के मुताबिक 12 अगस्त 2022 को सलमान ने फातिमा को नींद की गोली ला कर दिया और बोला कि रात को अपने पति के खाने में मिला देना। दोस्तों, फातिमा ने वैसा ही किया जैसे सलमान ने उसे कहा था। रात को फातिमा ने खाना बनाया और अपने पति फिरोज के खाने में नींद की दवा मिलाकर दे दिया। रात के करीब 11:30 बजे जब दवा का असर फिरोज के ऊपर हुआ तो वो एकदम बेसुध होकर सो गया। उसके बाद फातिमा रात में उठी और उसने रस्सी से अपने पति के हाथ पांव को चारपाई से बांध दिया और अपने प्रेमी सलमान को फ़ोन करके अपने घर बुला लिया। दोस्तों, कुछ देर बाद सलमान फातिमा के घर पहुंच गया और उसके बाद फातिमा और सलमान ने मिलकर फातिमा के पति फिरोज का गला दबाकर हत्या कर दिया। दोस्तों, जब सुबह हुई फिरोज की मौत की खबर पूरे गाँव में फैल गई तो पुलिस से बचने के लिए फातिमा ने घर वालों को बताया कि करीब रात के 11:30 बजे उनकी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद उन्होंने खुद पता नहीं कौन सी दवा खा ली जिससे उनकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, फातिमा की बातों पर उसके मम्मी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर ये सूचना दे दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोस्तों, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि फिरोज की मौत किसी दवा खाने से नहीं बल्कि उसका गला दबाने से हुई है। इतना सबूत पाने के बाद पुलिस ने इस घटना को संज्ञान में लेते हुए काफ़ी तेज़ी से जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया और शक के दायरे में उसकी पत्नी फातिमा को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले जाकर पूछताछ करने लगी। जब पुलिस ने फातिमा से सख्ती से पूछताछ किया तो फातिमा ने डर के मारे अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया और हत्याकांड की सारी कहानी पुलिस वालों को बता दिया। उसके बाद पुलिस ने फातिमा और उसके प्रेमी सलमान को गिरफ्तार कर लिया और दोनों को आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया। तो देखा आपने दोस्तों, एक पति अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल में ही घर बनाकर रहने लगा था और धीरे धीरे उसकी पत्नी का उसके ही चचेरे भाई सलमान से प्रेम प्रसंग चलने लगा था और दोनों का प्रेम इतना आगे बढ़ चुका था कि चचेरे भाई के प्यार में पागल फातिमा ने अपने ही पति को जान से मार डाला। तो दोस्तों,
ऐसी आपराधिक मानसिकता रखने वाली लड़कियों को समझें, उनसे दूरी बनाए रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने यार दोस्तों को भी सुरक्षित रखें और हमेशा देखते रहें एएसएन क्राइम अफेयर।